हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दीक्षित भारद्वाज व्लॉग्स। तो यस, वी स्टार्ट ए न्यू व्लॉग, जो कि यार हम आ चुके थे कल दौसा में। तो यार कल रात को व्लॉग एंड करने के बाद इन लोगों ने हमारे घर का पलंग तोड़ दिया है। तो भाई घर का पलंग मतलब ऐसे खेल रहे थे, टूट चुका है, तो आपको दिखाया नहीं वो चीज़। बट यार रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उसके बाद यार आज तो गणगौर का त्यौहार है, तो आप सबको हैप्पी गणगौर। और उसके बाद आज सुरेश भी आने वाले हैं, तो हम जाने वाले हैं यहाँ स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, डुबकी मारने के लिए, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी शुभम भाव बेटी के लखन लेता हुआ सूरज सही कर, तो दूसरे घर जाएगा तो क्या लखन क्या होएगा भाई? सास क्या बोलेगी? हाँ, हमें सुनाएगी सास तो कि हमारा दामाद काम नहीं करता, झाड़ू पोछा नहीं करता, बर्तन नहीं करता। शक्ल देख, शकल दिखाना, पर शकल दिखाना। एक बार एक बार टोपी उतार गया। गजनी ये झाड़ू मारने आता है सुबह सुबह। तो एक सुअर शेर के साथ चीता ही गेम में। चीता है, शेर ना है। अबे टाइगर है, टाइगर मन चीता वो आती है, चीता ही कहते हैं। अभी हम जाने वाले हैं, हट लेट एक बार। अरे मैं करूं ले, दूसरा कारीगर आता हुआ, कारीगर बेलता। तो फाइनली गाइस अभी मैं और सूरज जाने वाले हैं। कहाँ पे सूरज, कहाँ जा रहे हैं? नहाने। अबे पानी में डूबने। अच्छा, और शुभम और पानी में डूबने, शुभम आ रहा है। और शुभम और विजय तो भाई आ रहे हैं पीछे से, वो आ रहे हैं फुटफुट पे, मतलब ई स्कूटी पे, जो कि बहुत तेज चलती है भाई, हवा से उड़ती हुई चलती है। और हाँ, हमने नया घर ले लिया है, आपको दिखाया नहीं था, बट काफ़ी आलीशान घर है। सूरज कितने का पड़ा अपने ये? पूछे मत यार, दौड़े बच्चे इसको खरीदने में तो। भाई साहब हमारा पूरा मतलब पैसा खत्म हो गया है इसको खरीदने में, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है ये यहाँ की, पूरे दौसा की। 500 साल पहले का है मकान, 500 साल पहले राजा यहीं ना आया करते थे। तो अभी ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो वो हमने खरीद ली है। तभी उनका इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं आगे स्विमिंग पूल, देखते कौन से वाले में जाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं स्विमिंग पूल में विद कालू। ये दिन के उजाले में दिख जाता है सूरज, ये दिन के उजाले में दिख जाता है ये कालू। तुमसे बोल रहा हूँ, दिख रहा है ना, वो तो कैमरे में दिख रहा है। और वो देखो भाई साहब अकेले बैठे, उनको जात निकाला, सॉरी देश निकाला, दे दिया है हमने। तो गाइज सुरेश भी अभी आ चुके हैं हमारे पास तैरने के लिए, ऊपर चढ़ा दो गाड़ी इधर। तो अभी ये लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ, हम भी जा रहे हैं इनके साथ साथ। विजय ये देखो काला, तो हमेशा काला ही लगता है, कितना ही सारे बॉयज नंगे हो चुके हैं ये देखो, ओहो बॉडी। शुभम शुभम तेरे चड्डी में छेद कैसे हो रहा है पीछे? हो रहा है। सुरेश भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मजा नहीं आ रहा, दोस्तों के हिसाब से काफी अच्छा है। विजय विजय भैंस गई पानी में, चेक के बोला तूने चीटिंग की, तेरे चीटिंग। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं अंडर सी। सो फाइनली गाइस स्विमिंग पूल में नहा धो के हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ, थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं यार, काफ़ी दिन हो गए बैठे एक साथ पूरी टीम को, तो अभी बैठते बातें करते। विजय कैसे, मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया, आत्मा तृप्त हो गई। हाँ तुम ऐसे त्राहीमान हो गई। तो चलो अब चलते हैं घर पे, थोड़ी देर बैठते हैं आराम से, क्योंकि थक गए हैं पहले पानी में काफ़ी देर। तो गाइस अभी हमारा सोलिड डिस्कशन चल रहा है अबाउट माई TFM चैनल। विजय अब की यार मोदी सरकार ये तो पॉलिटिकल हो गया। जय बीजेपी मनु बोलते जय बीजेपी। ये भी डिस्कशन चल रहा है, इसको करते हैं उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो अभी मैं शुभम और सूरज निकल रहे थे यार जयपुर की तरफ, लेकिन हमें जैसे हम बाहर आए तो हमें दिखा ये मौसम की हालत हो रही है भाई। देखो कितने ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा बादल की बारिश आने के पूरे चांसेस है। तो इस वजह से यार हम जहाँ तक तो अभी देखते हैं कि अगर बारिश नहीं आती है तो हम जयपुर जाएंगे, नहीं तो यार
हमने यहाँ का सारा काम खत्म कर लिया, बट अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है भाई। बारिश अगर नहीं आती है तब तो चलते हैं जयपुर, नहीं तो यहाँ रुकना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ी देर में मैं बताता हूँ आपको जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ छत पे, देखो चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, मतलब ज़्यादा उजाला नहीं है, बट जो आंधी हवा चल रही है ना उसमें जो छत पे बैठ के गाने सुनने का मजा है वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग है यार। हम गए नहीं थे जयपुर तो मतलब यार आंधी चल रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था, इस वजह से गए नहीं। यहाँ रुक के जो शांति से बैठ के जो गाने सुनने का मज़ा आ रहा है ना वो अलग ही है। अभी शुभम और सूरज घर की तरफ गए हुए हैं, विजय भी उसके घर गया हुआ है, मैं अभी यहाँ पे बैठा था गाने सुन रहा था, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आता है ऐसे। तो अब थोड़ी देर गाने सुनता हूँ, उसके बाद जब तक वो आते हैं फिर लोग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस गांधी जी के तीन मंदिर देखो कैसे लेट के देख रहे हो भाई IPL। और मैं भाई साहब यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ हूँ कोने में, यहाँ पे बक्से पे बैठा हुआ हूँ भाई, लेटा हुआ हूँ बक्से पे। तो गाइस अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके बताना, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।